नमो नमः। सुप्रभातम्। तरी अग्रे चलामः। तत्र अस्माकं पाठ्य प्रकरणं वर्तते काव्यप्रकाशस्य दोषनिरूपणप्रसङ्गः। सप्तमोल्लासे आचार्य मम्मटेन तत्र दोषस्य स्वरूपं तद्भेदाश्च सांगोपांगोतया विवेचिता। तत्र प्रथमं तावत् आचार्येण मम्मटेन रसस्य मुख्यार्थस्य भूतस्य ये खलु अपकर्षकाः भवन्ति ते एव दोषाः भवन्ति इति कथयति आचार्य मम्मटः। तदनुसारं तस्य लक्षणं वर्तते मुख्यार्थहतिर्दोषः। मुख्यार्थः कः? न मुख्यार्थः रसैव मुख्यार्थः। यः खलु वाच्य लक्ष्य व्यंग्य इति त्रैविध्येन परिवश्यते। वो कह रहे हैं मुख्यार्थ का जो अपकर्षक होता है, हति माने अपकर्षक, अनुपकारक, उसका विघातक जो होता है वह दोष है। और मुख्यार्थ क्या है? न मुख्यार्थ रस ही है, क्योंकि काव्य की आत्मा रस है और वह वाच्य लक्ष्य व्यंग्य त्रिविध रूप में रस वर्तमान होता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले द्वितीय या तृतीय उल्लास में कहा था सर्वेषां प्रायशोर्थानं व्यंजकत्वम् अपिष्यति। तो इस दृष्टि से क्योंकि वाच्यार्थ चाहे लक्ष्यार्थ हो व्यंग्यार्थ उस पर आश्रित रहता रस, क्योंकि और रस ही काव्य की आत्मा, और रस का जो अपकारक होता है विघातक होता है वह दोष कहलाता है। और ये जो दोष है आचार्य मम्मट ने इस दोष के अनेक भेद उपभेद बताए हैं। विशेष रूप से सबसे पहले उन्होंने पदगत दोष बताया, फिर वाक्य दोष बताया, इस प्रकार वहाँ सैकड़ों भेद हो जाते हैं। परंतु हमारे परीक्षोपयोगी और विश्वविद्यालय विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्योपयोगी बिंदु की दृष्टि से, उपाध्येयता की दृष्टि से अगर हम देखें रस दोष की महत्ता उपाध्येयता है, इसलिए हमने रस दोष पर हम आगे सामान्य रूप से दोष के लक्षण निरूपण करने के पश्चात हम आगे थे रस दोष में, और कल हमने इसको विवेचन करना प्रारंभ भी कर दिया था। और रस दोष कितने होते हैं कल बताया था 10 रसदोषाः। तत्र 10 रस दोष होते हैं। रस दोष कितने होते हैं? 10 होते हैं। दसों में से हमने व्यभिचारी रसस्थायी भावनम शब्दवाच्यता ये, और इसमें भी उपभेद है, अलग अलग है, व्यभिचारी भाव की, रस की, स्थायी भाव की, शब्दवाच्यता होने पर जो रस दोष होता है उसका विवेचन किया था। फिर दूसरा है अनुभाव विभाव यो कष्ट कल्पनया व्यक्ति, अनुभाव और विभाव इन दोनों की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति होने पर तब जो दोष होता है वह अनुभाव विभाव विभाव कष्ट कल्पनात्मक रस दोष, ये कल विवेचित कर दिए थे। और फिर तीसरा प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह, ये जो प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह नामक ये रस दोष है, ये हमें आज विवेचन करना है, इस पर हमें ध्यान देना है, इसका समीक्षण करना है। तीसरा है भाई दस दोष है उसमें से ये तीसरा भेद है, क्या है? प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह। प्रतिकूल विभाव आदि नाम यह ग्रह सहैव प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह, प्रतिकूल विभावादियों का ग्रहण किया जाना ही प्रतिकूल विभावादि ग्रह कहलाता है, और ये एक रस दोष है। प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण मतलब जो रस जिन विभावों से अभिव्यक्त होना चाहिए व जिन अनुभावों से अभिव्यक्त होना चाहिए, अगर उस रस के उन विभाव अनुभावों का प्रतिपादन न कर दूसरे जो प्रतिकूल रस है, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के लिए जो विभाव अनुभव होंगे वह कतई शांत रस के विभाव अनुभव उसके नहीं हो सकते। अगर हम श्रृंगार रस के
विभाव अनुभाव के लिए, विभाव अनुभाव के रूप में वा उसके उपादान के रूप में अगर हम सांतरस के विभाव अनुभाव को ले लें तो क्या हो जाएगा? रस दोष हो जाएगा, रस की तो अभिव्यक्ति हो जाएगी। सहृदय सामाजिक के हृदय को रसास्वादन हो जाना वो रस की अभिव्यक्ति हो गई, और रस का परिस्पुरण हो गया है, रस का बुद्ध अवगमन हो गया, व्यंजन हो गया, ध्वनन हो गया, प्रत्यायन हो गया, अवबोधन हो गया, परंतु वो दोष कहलाएगा अगर प्रतिकूल विभाव अनुभाव का ग्रहण किया जाए। जैसे उदाहरण यहाँ देखेंगे एक एक करके कि प्रतिकूल विभाव का ग्रहण होने पर भी रसदोष होता है और प्रतिकूल अनुभाव का ग्रहण करने पर भी रसदोष होता है। पहले प्रतिकूल विभाव के ग्रहण से रसदोष कैसे हो रहा उसका उदाहरण है कि प्रकृत रस विरुद्ध जो प्रस्तुत रस है, जो मूल रस है, उसका विरुद्ध विभाव का ग्रहण हो रहा है। जैसे श्रृंगार रस है, वर्णीय विषय है यहाँ, या श्रृंगार उसका लक्ष्य है जो सहृदय सामाजिक को हृदय उद्भूत कराने के लिए जिस काव्य की प्रस्तुति की गई है वहाँ मूल जो काव्यकार का मूल उद्देश्य है कि यहाँ रस की श्रृंगार रस की अभिव्यक्त कराना, परंतु वहाँ विभाव और जो प्रतिपादन किया गया वह शांत रस का कर दिया गया, इसलिए वहाँ प्रतिकूल विभाव ग्रहण नामक रसदोष वहाँ परिलक्षित हो जाता है। उदाहरण देखिए प्रसादे वर्तस्व प्रकटयमुदम संत्यजरुषम प्रियेषु संत्यंगान्यमृतमिव ते सिंचतु वचः निधानं सौख्यानं क्षणवविमुखं स्थापय मुखं नमुग्धे प्राप्तेतुं प्रभवति गतः कालहरिणः। तो यहाँ कोई प्रेमी पुरुष युवक अपनी प्रेमिका अपनी प्रियतमा जो सुंदरी है वह अभिमान कर रखी है, वह अपने उससे थोड़ी नाराज चल रही है, किसने अपने प्रियतम से, और उस प्रियतमा के लिए वो प्रियतम कह रहा है, उस युवती के लिए उस तरुणी के लिए वो तरुण युवक बोल रहा है। क्या कह रहा है? जो कह रहा है कि उसकी मान भंग करने के लिए एक तरह से क्या कर रहा है ना, वो संभोग श्रृंगार जिससे कि श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो अर्थात रति जो स्थायी भाव वो परिपुष्ट हो जाए, उसके मन में रति जन्म हो जाए, उत्पन्न हो जाए उसके दिल में, उसके अंतकरण में, उस रूप में वो कह रही है, कि हे प्रिय, हाँ हे प्रियतमे प्रसादे वर्तस्व, तुम प्रसन्नता में रहो, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, तुम मेरे ऊपर खुश हो जाओ, मेरे ऊपर नाराज मत बनो, मत हो। प्रसादे वर्तस्व, समझ में आ रहा? प्रसादे वर्तस्व मतलब प्रसन्नता में रहो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर नाराज नहीं रहो, दुखी मत हो, सुखपूर्वक रहो, खुश हो जाओ। क्या करो? न मुदम प्रकटया, तुम मुद माने मोद प्रमोद आनंद, अपनी आह्लादकता अपनी आनंद की स्थिति को अभिव्यक्त करो, प्रकटय अभिव्यक्त करो, बताओ, तुम मेरे ऊपर खुश हो जाओ। और संत्यज रुषम, रुषम संत्यज, तुम्हारे अंदर जो क्रोध है उस क्रोध को छोड़ दो, नाराज मत हो। और क्यों? ना ते बचा ते बचा सिंचन्तु अमृतमिव सिंचन्तु, तुम्हारे वाणी तुम्हारे वचन अमृत की तरह मेरे ऊपर अभिसिंचित हो, क्योंकि अंगानी शुष्यन्ति, मेरे जो अंग है, मेरे जो प्रत्यंग है, मेरे हाथ पैर मेरे मुख मेरे ओष्ठ, ये सारे सूख रहे हैं। किसके मारे? तुम्हारे वियोग के मारे, तुम्हारे मिलन की कामना के मारे, कि तुम्हारे सानिध्य मुझे चाहिए और उसके अभाव में मेरी हालात हो रही है, इसलिए
तुम मीठी मीठी बात कह करके क्या करो, मुझे अभिसिंचित करो, माने मीठी बात रूपी अमृत से तुम सिंचित करो, तुम्हारी मीठी वाणी मेरे लिए अमृत की तरह काम करेगी। और सोख्यानम क्षणम अभिमुखम मुखम स्थापय, सोख्यानम निधानम, हे सोख्यान निधानम, बात तुम सोख्यो के निधान भूत, तुम्हारे जो बच्चे है तुम्हारे वाणी है, या सोख्यानम निधानम जत मुखम, सारे सुखों का निदान, संपत्ति खनी खजाने ऐसे होने वाले जो मुख है उस मुख को मेरे मुंह के सामने थोड़ी रखो, अर्थात मेरे मुंह के सामने मुंह ले आओ, माने आगे इसमें भाव क्या व्यक्त हो रहा है, माने ताकि आगे उसका अधरपान करे, चुंबन करे, वही रति भाव को बढ़ाने के लिए है। बोले हे मुग्धे न प्रत्ये तुम प्रभवतिगत काल हरिण, क्योंकि काल रूपी जो हिरण है ये इसके विश्वास योग्य नहीं है, ये बहुत जल्दी भाग जाने वाला है, समय रूपी हिरण चले जाने वाला है। ये जो समय की अनित्यता, भाई जो काल हरिण चले जाने वाला, मतलब अब हमारी युवावस्था है, अब इस समय हम उसको उपभोग नहीं करेंगे और आगे समय आएगा हमारी वृद्धावस्था आ जाएगी, और समय रूपी हरिण तो चलता रहेगा, और समय के नाते हमारे शरीर अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, फिर कामनाएं वासनाएं अंदर ही अंदर जर्जरित हो जाएगी। ये जो बात है आप देखिए, या जो काल हरिण जो अनित्यता वाली बात करें, कि समय की अनित्यता, ये जो अनित्य समय चले जाने वाला, हमारे अंग से सूख जाना, ये सब सांतरस के भी विभाव होते हैं, उन विभावों को यहाँ प्रतिपादन कर दिया कि अनित्यता रूपी जो विभाव है, समय की अनित्यता, काल की अनित्यता, यौवन की अनित्यता, ये जो बात कही है ये सांतरस के विभाव, सांतरस को परिपुष्ट करने वाला ये विभाव है, और ये श्रृंगार में संभव श्रृंगार में आ जाने से ये दोष हो रहा है। साथ ही इस विभाव के माध्यम से, सांतरस के विभाव के माध्यम से यहाँ निर्वेद जो सांतरस का स्थायी भाव है वो व्यभिचारी भाव है, और उस व्यभिचारी भाव जो किसका है, भूष का भी यहाँ परिकल्पन हो रहा है, उसका उज्जीवन हो रहा है, इससे रस दोष हो रहा है। तो इस प्रकार जो अनित्यता रूपी जो बात, काल हिरण चले जाने वाला, ऐसे जो बात है ये अमंगल सूचक बात है, ये इस बात को यहाँ संभोग श्रृंगार में प्रतिपादन नहीं की जानी चाहिए, भाई ऐसे विभाव का वर्णन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रतिकूल विभाव ग्रहणात्मक ये रस दोष यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रतिकूल अनुभाव के ग्रहण से भी क्या होता है, रस दोष होता है। प्रतिकूल प्रतिकूल भूत यह अनुभाव तस्य परिग्रहणे तत्र किं न प्रतिकूल अनुभावात्मक रस दोषः संजायति इति आचार्य मम्मटः तदुदाहरणमपि प्रतिपादयति। तो उसका उदाहरण भी यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं कि प्रतिकूल अनुभाव के उपस्थिति में वा उसके प्रतिपादन में कैसे रस दोष होता है। आप देखिए निभृतरमणे लोचन पथे पतिते गुरुजन मध्ये सकल परिहार हृदया वनगमन भी वेच्छति वधु। प्रसंग ये है कि कोई नायिका, कोई घर की किसी अच्छे घर की बहू है, लेकिन नई नवेली दुल्हन है, उसका पतिदेव विदेश में लंबे समय से है, कि ऐसा है कि यौवन युवावस्था का ऐसा है कि समय होता है जिसमें कि गृहस्थ धर्म में आने के पश्चात यहाँ दाम्पत्य जीवन में दंपति को पास पास होना चाहिए, अगर उनमें व्यवधान रहे, दूरता रहे किसी भी कारणवशतः, तो वहाँ विचलन होने की आशंका बनी रहती है, और वही यहाँ बनी हुई है, समझ में आ रहा। तो वह जो दुल्हन घर में है, तो वह अपने पीछे अपने पति जब विदेश में लंबे समय से है, उसके पीछे किसी प्रेमी से उसका क्या हो गया ना, संबंध बन गया है, अर्थात वो उसका गुप्त प्रेमी बन गया, गोपन से गुप्त से एकांत में रहस्य में वो एक दूसरे को मिलते हैं। और एक बार क्या हुआ, सभी घर में लोग हैं,
उपस्थित हैं, वो वधू थी। दरवाजे से या खिड़की से उसने देख लिया कि बाहर उसका प्रेमी जहाँ दंत संकेत स्थान है, जिस जगह मिलने के लिए उनको पहुँचना है, जिस समय पहुँचना है उस समय वह जा रहा है। उसको देखते ही क्या होगा, तो यही सोचेगी भाई वो पहुँचने वाला है, मुझे भी पहुँचना चाहिए। अब वो पहुँचने के लिए सब काम काज छोड़ के वह तुरंत चल पड़े। ये वर्णन है इसमें। देखिए बोले निवृत रमणे लोचन पथे पतिते, लोचन पथे पतिते निवृत रमणे। लोचन पथ माने नेत्र के सामने, आंखों के सामने आ जाने पर, दिखाई देने पर, अर्थात दिखे जाने पर। कौन? निवृत रमणे, गुप्त प्रेमी के दिखाई देने पर, दृष्टिगोचर हो जाने पर। बस उस औरत ने, उस महिला ने, उस सुंदरी ने, उस युवती ने जब घर से देख लिया कि गुप्त प्रेमी सामने जा रहा है, उसके दृष्टिपथ पर आ जाने पर क्या किया? न गुरुजन मध्य, जो गुरुजन है, सासू माँ है, ससुर जी है, जेठ हैं, सब घर में हैं, तो उनके समक्ष वो क्या करेगी? इसलिए सकल परिहार हृदया, सकल परिहार हृदया, सब कुछ परित्याग जिसने अपने हृदय से कर दिया, अर्थात सब कुछ कामकाज को छोड़कर उसका दिल, उसका अंतकरण वहाँ चला गया, वहाँ पहुँच गई, वहाँ उसके लिए झुक गई। तो सब कुछ कामकाज छोड़ करके वो वनगमनम एव इच्छति वधू, वधू वनगमन माने जंगल में जाने के लिए इच्छा व्यक्त कर रही है। देखिए इसको पढ़ने से सहृदय सामाजिक हृदय में जहाँ श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो रही है वहीं एक दोष भी हो रहा है। क्या? ना, यहाँ जो अनुभव है, अनुभाव है, अनुभव जो कार्य रूप, अनुभव क्या होता है? कार्य रूप, लोक में उसको कार्य कहते हैं, वहाँ हमारे काव्य नाट्य में हम उसको अनुभव कहते हैं। समझ में आ रहा? तो ये अनुभव जो है, क्या अनुभव है? ना सकल परिहार हृदय, सब कुछ छोड़ देना भाई, वन जंगल को चले जाना भाई, सब कुछ छोड़ के जंगल को चले जाना, ये शांत रस का भी क्या होता है? अनुभव होता है। माने किसी में मन नहीं लगना, सब कुछ छोड़ छोड़ा के चले जाना, इस प्रकार का जो वर्णन है ये इस प्रकार अनुभव का वर्णन नहीं होना चाहिए। यहाँ अलग तरीके से इस अनुभव को यहाँ व्यक्त कर सकते थे, प्रतिपादन कर सकते थे कभी, कि जैसे कि ईंधन लाने की लाने के बहाना बना करके वो चली गई, वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त कर रही, इस प्रकार वर्णन करते तो ये रस दोष का परिहार हो जाता। परंतु इसने सीधा कर दिया, क्या? सकल, क्या? सकल परिहार हृदया, सब कुछ छोड़ दिया जिसने, अपने अंतकरण जैसे सुना हो गया, खाली हो गया, ये निर्वेद जो है का अनुभव, व निर्वेद जो स्थायी भाव है उसको परिपुष्ट करने वाला ये अनुभव आ गया, जो कि संतरस स्थायी भाव के, निर्वेद स्थायी भाव के द्वारा संतरस को परिपुष्ट करने वाला ये अनुभव है, और इसका यह संभव संदर्भ में नहीं आना चाहिए। अत्र सकल परिहार वनगमने शांता अनुभव, तो सब कुछ परित्याग कर देना और जंगल को चले जाना, ये संत रस के अनुभव है दोनों, और इनका प्रयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका दूर भी कर सकते थे कभी, कि ईंधन आदि आनयन ब्याजे न उपभोगार्थम वनगमनम चे न दोषः। ईंधन माने लकड़ी लाने के लिए, घर के रसोई कार्य के लिए जो लकड़ी है उसको लाने के लिए, उपभोग के लिए जंगल में चली गई, रथ उपभोग माने रति कर्म करने के लिए चली गई, इस प्रकार अगर वर्णन करते तो दोष नहीं होता। तो ये रस दोष हो गया, इसलिए क्योंकि शांत रस के दोनों अनुभव, क्या? सब कुछ छोड़ देना और क्या करना? जंगल को चले जाना, ये शांत रस का अनुभव है। यहाँ संभोग संहार में इसका प्रतिपादन होने पर ये क्या हो गया? प्रतिकूल अनुभव ग्रहात्मक रस दोष यहाँ सिद्ध हो रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट चौथा जो दोष है वो है पुनः पुनः दीप्ति, माने अंगभूत रस की पुनः पुनः दीप्ति। भाई अंगी रस की दीप्ति बार बार होती, भाई एक काव्य है, उस काव्य में अंगी रस एक होता है, अंगी रस माने जो मुख्य रस है, जो प्रधान रस है, और उसका आद्योपांत वर्णन बार बार होता है, उसका प्रतिपादन, उसका उपपादन, हाँ, उसका अवबोधन कराया जाता है।
परंतु यदि अंगभूत रस का प्रतिपादन करा जाए बार बार तब वह एक दोष हो जाता है। इसलिए अंगभूत रस की पुनः पुनः अभिव्यक्ति पुनः पुनः अभिव्यक्ति होना वो एक दोष कहलाता है। उदाहरण दीप्ति पुनः पुनः यथा कुमार संभवे रति विलापे। आपने कुमार संभव महाकाव्य पढ़ा होगा, कुमार संभव महाकाव्य में जब शंकर भगवान के तृतीय नेत्र से निर्गत बन्ही से कामदेव भस्मीभूत हो जाता है तब उनकी पत्नी रति विलाप करने लग जाती है। ये जो रति और कामदेव का प्रसंग एक अंगभूत प्रसंग है, वो प्रासंगिक कथा वस्तु का। यहाँ जो रस है रति विलाप का जो है, रति विलाप करना ये क्या है ना, ये करुण रस है रति का विलाप करना, ठीक है। और लेकिन ये मुख्य रस अंगी रस कौन है कुमार संभव में, संभव श्रृंगार है, ठीक है ना, क्योंकि कुमार की संभव होना कार्तिकेय की उत्पत्ति होना माँ शिव पार्वती के मिलन को वर्णन करना, उस बीच ये जो रति का बार बार विलाप वर्णन किया जाना ये एक प्रकार का दोष है। कौन सा दोष है ना, अंगभूत रस की पुनः पुनः दीप्ति वाला दोष है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो दोष है वो करे अनवसर में, पांचवा जो दोष है वो है अनवसर में रस का प्रथन होना, रस का वर्णन होना। अनवसर माने जहाँ अवसर नहीं है, जहाँ आवश्यक नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ अगर रस का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया जाए, बस रस का प्रतिपादन कर दिया जाए तो वह रस दोष हो जाता है। अनवसरे रसस्य प्रथनम नाम रसदोषः कथम भवति। उदाहरणम तथा अकंडे प्रथनम यथा, अकंड माने अनवसरे, यथा रसस्य प्रथनम रसस्य वर्णनम प्रतिपादनम प्रत्यायनम धुननम वा यत्र भवति तत् अनवसर प्रथन नामक रसदोषः तत्र संजायते अभिव्यज्यते वा तत्प्रतिपादन इच्छेया आचार्य मम्मट अत्र वृणुते। यहाँ आचार्य मम्मट उसको प्रतिपादन करने की इच्छा से अभिव्यक्त कर रहे हैं। कहाँ का ले रहे हैं, व्यणिशृंगार नाटक का ले रहे हैं। उदाहरण व्यणिशृंगार किसका है, किसकी रचना है, भट्ट नारायण महावीर का, भट्ट नारायण, भट्ट नारायण, हाँ भट्ट नारायण से रचना वर्त है वेणिशृंगार। वेणिशृंगार नाटके तत्र द्वितीय अंके अनेक वीरक्षे यदा तत्र महाभारत युद्धम भवति, जब महाभारत का युद्ध चलता है अनेक वीर वहाँ पांडवों के हैं, विशेष रूप से अर्जुन के जो अस्त्रों से हैं उनके बाणों से मरते जा रहे हैं क्षय हो रहा है, वहाँ इस स्थिति में भानुमत्या सह दुर्योधन से श्रृंगार वर्णनम। भानुमति के साथ दुर्योधन का क्या है, श्रृंगार वर्णन किया जाना, ये अनवसर वर्णन हो गया ना भाई। जहाँ युद्ध भूमि पर इतने सारे लोग मर रहे हैं, या तो भीर रस का वर्णन होता, उत्साह होता, या तो दुख होता, उसको करुण रस होता, भाई दोनों से कोई होता तब तो चल जाता, चलो उसके अंदर चल जाता। परंतु वहाँ श्रृंगार का वर्णन होना, भाई किसी की मन होगा क्या, जो युद्ध भूमि पर ऐसे वीर हमारे पुरुष मर रहे हैं और वहाँ जाकर के वो रानी अंतपूर्व रानी के साथ संभोग श्रृंगार करे, तो ये अनुचित्य, एक तरह से अनुचित्य हो जाएगा। अनुचित्य का एक दोष भी है वो आगे कहेंगे, लेकिन ये अलग से या अप्रासंगिक है या अनवसर है, या श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। अगर अब वहाँ वेणी श्रृंगारकार ने यहाँ इस प्रकार वर्णन किया है वो दोषाय प्रवर्तते, दोषाय कल्पते, न तु गुणाय इति अभिप्रायः इति प्रतिपादन उद्देश्यम कस्य आचार्य मम्मटस्य। आचार्य मम्मट का ये उद्देश्य है, प्रतिपादन कहना है कि यहाँ इस प्रकार यदि श्रृंगार रस का वर्णन किया जाना बिल्कुल सरासर ये एक प्रकार का दोष है, रस दोष है, रस का जो है अपघात कर रहा है, रस का अपकर्षक हो रहा है, अनुपकारक हो रहा है, क्योंकि जहाँ वीर रस चल रहा है, युद्ध भूमि चल रहा है और वहाँ श्रृंगार का वर्णन करना, या वीर रस के अंदर जहाँ इतनी हमारे मरते जा रहे हैं वहाँ उसमें अभिव्यक्त होकर के शोकाकृत होकर और उत्साह बढ़ना चाहिए युद्ध भूमि पर, रतु या रतिस्थायी भाव उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार अनवसरे रसस्य विच्छेद, अनवसर अकांडे विच्छेद,
अकांडे विच्छेद नाम रस दोषः वा अनवसरे यथा यदा रसस्य विच्छेद भवति रसस्य कर्तनं भवति रसस्य अपनोदनं भवति तदा अनवसर छेद नाम कः रस दोषः संजायते। जहाँ आवश्यकता नहीं रस को वहाँ कटप हो जाना चाहिए, अगर रस का कटप हो जाए रस का अवरोध हो जाए तो अनवसर नामक रस दोष हो जाता है, अनवसर छेदन नामक रस दोष हो जाता है। उदाहरण अकंडे छेदो यथा वीरचरिते, वीरचरित ना महावीर चरित, महावीर चरितम, महावीर अत्र वर्तते, महावीर से चरितम, महावीर कह महावीर अत्र पश्यन्तु, बोले महावीर चरिते द्वितीय अंके राघव भार्गवयोः, महावीर तत्र उच्यते भार्गव, भार्गव इत्युक्ते भृगोपत्यं पुमान भार्गव परशुराम, बोले राघव भार्गवयोः, राघव ले रघुपत्यं पुमान राघव दासरथि रामचंद्र भार्गव इसी परशुरामस्य इत्यनयोः, इन दोनों के धराधिरोह रूहे रूढ़े वीररसे, लगातार वीररस का चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और बीच में रामचंद्र कह देते कंकण मोचनाय गच्छामि इति राघवस्य उक्तो, कंकण मोचन के लिए मैं जा रहा हूँ, कंकण मोचन एक विवाह का रस्म है, दसवें दिन एक रस्म होता है, भाई यहाँ युद्ध हो रहा और वहाँ विवाह करके मैं जाकर कंकण मोचन करके आ जाता हूँ, रस का क्या हो गया छेद हो गया, भाई जो वीर रस है उत्साह है उत्साह में पतन हो गया खंडन हो गया, इसलिए यह अनवसर खंडन छेदन नामक रस दोष संजायते। अतः एतत् वायस्य रोषस्य अत्र परिहार कार्यः। तत्रापरं किं वदति नास, इस प्रकार छह दस हो गए, सातवां दस जो है बोले कि अंग अथवा प्रतिनायक आदि रस की अति विस्तृत का वर्णन, वह अंगस्य किं वा प्रदानस्य यत् रसस्य वा रस रस उत्पादकस्य वा रस स्य रसस्य जह आश्रय भूता तस्य प्रतिपादनेन यत् दोष जह दोष भवति तत् स भवति रस दोषः। बोले अंगभूत जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु में अंगभूत पात्र आते हैं, वो पात्रगत जो रस होते हैं उसका अगर अधिक मात्रा में अति विस्तार पूर्व वर्णन कर दिया जाए वो भी रस दोष होता है। अंगीभूत जो अंगी मूल है प्रधान पात्र है उसके उसके कर्तृत्व उसको परिपोषित करने वाला जो रस होता है वो अंगी रस होता है, उसका वर्णन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए न कि अंगभूत रस का, तो अगर वो किया जाता दोष होता है। कैसे न उदाहरण दे रहे हैं कि अंगस्य प्रधानस्य अति विस्तरेण वर्णनम यथा हयग्रीव वधे हयग्रीवस्य हयग्रीव वध जो महाकाव्य है उस महाकाव्य में हयग्रीव का अधिक, हयग्रीव का प्रतिनायक है वो नायक नहीं है, प्रतिनायक का जो वर्णन है वहाँ अधिक मात्र में किया गया उसको करने पर वह उसको हाईलाइट करने पर इसमें जो सहृदय सामाजिक है उस हृदय में उसकी एक प्रकार का विरस उसके मन में एक विरसता उत्पन्न हो जाती है, रस का रस की उत्पत्ति में व्याघात होता है और इसकी वजह से यहाँ रस दोष हो जाता है कि प्रतिनायक का अधिक वर्णन नहीं होना चाहिए वहाँ नायक का अधिक से अधिक वर्णन होना चाहिए। फिर आगे जाकर कहते हैं अंगीनन अनुसंधानम, यदि अंगी का जो प्रधान है प्रधानभूत रस है उसका अनुसंधान हो उसको भूल जाना उससे भटक जाना, भाई काव्य नाटक बड़ा चल रहा है वर्णन हो रहा उसमें कहते हैं अंगी को भूल जाओ अंगों को भूल जाओ घर के मुखिया को भूल जाओ और घर के जो गौण सदस्य को ले लो, ऐसा थोड़ी हो सकता, कोई प्रोग्राम होता है कोई कार्यक्रम होता है पहले मुखिया को ढूंढते, मुखिया को अगर कार्य में व्यस्तता में फंक्शन में व्यस्त हो करके उत्सव में व्यस्त हो करके हम मुखिया को भूल जाए प्रधान को भूल जाए वो एक तरह से गलत होता कि नहीं होता, हम कहते अरे अरे वो तो मुखिया जो मेन है जो प्रधान है वो तो आए नहीं उनको तो बुलाओ, तो उस प्रकार यहाँ रस के प्रतिपादन में भी जो अंगी रस है उसको विस्मरण कर लेना वो एक प्रकार का रस दोष होता है। जैसे उदाहरण में बता रहे हैं रत्नावल्यम चतुर्थ अंके, रत्नावली में चौथे अंक में बाभ्रव्य आगमने बाभ्रव्य के आगमन पर सागरिका या विस्मृति सागरिका को भूल जाना, बाभ्रव्य एक पात्र है पात्र विशेष है लेकिन मुख्य पात्र जो अंगी है उस रत्नावली नाटिका का पात्र है नायिका कौन है सागरिका, वो सागरिका को भूल गए बाभ्रव्य जो कंचुकी वा इस प्रकार कोई पात्र आया हुआ उस प्रसंग से रत्नावली
के रूप में जो सागरिका है, नायिका है, उस नायिका को विस्मरण कर लेना, ये जो अंगी को भूल जाना। तो इसलिए यहाँ अंगी न अनुसंधान नामक रस दोष अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार नौवां जो है, मेरे ख्याल में अभी कितने समय है अपने पास, 5 मिनट है, 5 मिनट है, पंचनिमेषा वर्तन्ते, अस्तु समापयामः। तत्र प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन, प्रतिकूल जो है प्रकृतिगत औचित्य, भाई जो वस्तुतः स्वाभाविक रूप से जो वर्ण्य विषय प्रासंगिक उसको वर्णन करना चाहिए, अनुचित्य वर्णन नहीं होना चाहिए। अनुचित्य वर्णन अगर होता है तब क्या होता है, अनुचित्य नामक रस दोष हो जाता है, औचित्य के प्रतिकूल वर्णन होता है। उदाहरण प्रकृतयः, उदाहरण से पहले समझा रहे हैं उसको वृत्ति के माध्यम से, प्रकृतयः दिव्याः अदिव्याः, प्रकृतयः दिव्याः अदिव्याः, दिव्या दिव्याश्च। प्रकृतियाँ जो होती, पात्र जो होते हैं दिव्य होते हैं, दिव्य पात्र होते हैं, अदिव्य पात्र होते हैं दिव्या दिव्य पात्र होते हैं। दिव्य जैसे देवता इंद्र आदि पात्रों का वर्णन जहाँ होता वो दिव्य होते हैं, देव 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 दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, और अदिव्य जो मनुष्यों का वर्णन होता है, और दिव्या दिव्य राम कृष्ण आदि पात्रों का जब वर्णन होता है दिव्या दिव्य होते हैं। इस प्रकार जो दिव्या दिव्य है उन्हीं के अनुकूल, उन्हीं के तर्कसंगत रस का वर्णन होना चाहिए। जैसे वीर रौद्र श्रृंगार शांतरसा प्रधाना, और वीर यथाक्रम वीर रौद्र श्रृंगार शांत रस प्रधान होते हैं, कौन, धीरोदत्त धीरोधत्त धीर ललित धीर प्रशांत, नायक होते हैं, नायक के भेद है भाई। धीरोदत्त जो होता है उसमें क्या होता है, वीर रस होता है, धीरोधत्त में रौद्र रस होता है, धीर ललित में श्रृंगार रस प्रधान होता है, और धीर प्रशांत जो है वो शांत रस प्रधान नायक होता है। इस प्रकार उत्तम अधम मध्यम पात्र भी होते हैं, उत्तम पात्र दिव्य पात्र हो गए, अधम पात्र अदिव्य हो गए, और दिव्या दिव्य मध्यम हो गए। ये सब वर्णन है उसी के अनुकूल, एकड़ इंटो पात्र, दिव्य पात्र दिव्य पात्र के अनुकूल, या उत्तम पात्र है उत्तम पात्र के अनुकूल, या धीरोदत्त नायक है तो धीरोदत्त के अनुरूप रस का वर्णन होना चाहिए। अगर धीरोदत्त है और हम वहाँ धीरोदत्त का वहाँ जो वीर रस का प्रतिपादन कर दे तो गलत हो जाएगा वहाँ। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं नहीं, वीर रस नहीं, वहाँ रौद्र रस वर्णन कर दिया जाए वो गलत होगा। रौद्र रस किसका होगा, धीरोदत्त, धीरोदत्त नायक जैसे भीम है, भीम में चलेगा, लेकिन युधिष्ठिर जैसे धीरोदत्त है, रामचंद्र धीरोदत्त है, वहाँ रौद्र रस का परिपोषण करना सर्वथा दोष हो जाएगा। इसी प्रकार रतिहास शोकाद्भुतानि अदिव्य उत्तम प्रकृति व दिव्येश्वपि, किंतु रति संभोग श्रृंगार रूपा उत्तम देवता विषया न वर्णनीय। जैसे रति संभोग विषय, और ये हम मध्यम अधम पात्र में ले सकते, उत्तम पात्र में नहीं ले सकते। देवादि विषय का रति अगर वर्णन करेंगे संभोग में वो गलत हो जाएगा। कैसे होगा गलत, बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य मम्मट, कह रहे अगर ऐसे करेंगे तद वर्णनम ही उत्तम पात्रगत, अगर रति संभोग आदि का वर्णन करेंगे, अगर देवा देवराज इंद्र का या शंकर भगवान का या हम किसी विष्णु का अगर लक्ष्मी का उनका अगर संभोग श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पितृ संभोग वर्णन मीव अत्यंत अनुचितम। जैसे मम्मी पिता माता का संभोग का वर्णन करना पुत्र पुत्री के लिए सर्वथा अनुचित है ना। पुत्र और पुत्री कभी अपने पिता माता का संभोग का वर्णन कर सकते हैं क्या, अगर करते हैं तो अनुचित है, सर्वथा समाज के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है, क्योंकि अनुचित्य नामक दोष है। इसीलिए औचित्य होना चाहिए, इसलिए प्रकृतिगत औचित्य वर्णन होना चाहिए। इस प्रकार इसे उदाहरण दिया, क्रोधम प्रभो संघर संघरेति यावत गिरह के मरुतां चरन्ति तावत सवन्नी भवन यत्र जन्मा भस्मायव शेषम मदनम चकार। ये कोई खास नहीं है, आगे चलें। दिव्या दिव्य आपका जो है अंतिम जो रस दोष है, अभी 2 मिनट है, अंतिम रस दोष है, रस के अनुपकार का वर्णन है, वह है अनंगस्य रसस्य अनुपकारस्य वर्णनम। अनंग माने जो रस का अंग नहीं है, रस का उपकारक नहीं है, उस रस का अनुपकारक है, उस अनुपकार रस का अगर वहाँ प्रतिपादन कर लिया जाए तो वह भी रस दोष होता। जैसे कर्पूर मंजरिया, कर्पूर मंजरी नामक एक नाटक है, उस नाटक में वह नाटिका है, नाटिका में नायिकया स्वात्मनाचकुतम
हुए स्वयं के द्वारा किया गया। बसंत बंधनम अनादृत्य, बसंत बंधन को अनादर करके बंदी वर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम, बंदी वर्णन का राजा के द्वारा प्रशंसन किया जाना। भाई वहाँ कर्पूर मंजरी जो नायिका उसका उसका ग्रहण करना चाहिए ना, नहीं तो बंदी का प्रशंसन करना, ये हो गया अनुपकारक। बा आनंद का वर्णन, बार जो रस के उपकारक नहीं है उसका वर्णन होने से इस प्रकार ये दोष हो गया। ईदृशा इति इस प्रकार होता है, इसे नायिका पाद प्रहार आदिना नायक उपपादि वर्णनम, इसी प्रकार अगर नायिका पाद प्रहार के द्वारा नायक का उपपाद आदि वर्णन किया जाना ये भी अनुचित है। उक्तम ही ध्वनि कुता, इसलिए ध्वनियालोकार आनंद वर्धन ने कहा है अनुचित्याद्रुते नान्यत् रसभंगस्य कारणम, औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत् परा। ध्वनियालोकार आनंदवर्धन ने कहा है कि अनुचित्याद्रुते अनुचित्य को छोड़कर अन्यत रसभंगस्य कारणम नास्ति, और कोई रसभंग का कारण नहीं है। सबसे बड़ा अगर रस को विघात करना, रस को अपकारक करना, रस का विघात करना, नुकसान करना, क्षति पहुंचाना, वो कौन सा दोष, कौन सा प्रकरण है? अनुचित्य। इसलिए औचित्य उपनिबंधन सुरसस्य उपनिषद परा, बोले औचित्य विधान पूर्वक अगर काव्य की रचना किया जाए वो रस की उपनिषद परा हो जाती है। उपनिषद जैसे सारभूत दर्शन तत्व होता उसी प्रकार उस रस के उपकारक होगा औचित्य। इसलिए औचित्य पूर्वक रस का प्रबंधन होना चाहिए, यह आचार्य मन्मथ का प्रतिपादन है, अभिप्राय है। इस प्रकार रस दोष 10 होते हैं ये वर्णन किया। कल हम रसोदोष के परिहार पढ़ेंगे।